आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं, कभी ये ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, आखिर ये हमें शो क्या करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भारत में किसी भी कंपनी को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वह ये पैसा जनता से लेती है। पर आम जनता इन कंपनियों को डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, क्योंकि उनको डर होता है कि ये कंपनीज पैसे लेकर भाग सकती हैं। तो ये कंपनीज पैसे जुटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की शरण में जाती हैं और खुद को रजिस्टर्ड करवाकर IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती हैं। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च करेंगे तो हमारा आपको वीडियो मिल जाएगा। यानी ये कंपनीज IPO के थ्रू अपने शेयर्स आम जनता को बेचती हैं और आम जनता इन शेयर्स के बदले कंपनीज को पैसे देती है, जिससे कंपनीज को बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल प्राप्त हो जाती है। और भारत में मेनली दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से कंपनियां IPO लाकर धन जुटाती हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। पहला स्टॉक एक्सचेंज है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज BSE या NSE या दोनों पर ही IPO ला सकती हैं। इस समय BSE में लगभग 5,300 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और वही NSE में लगभग 2,260 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड हैं। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये जानने के लिए BSE ने सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स लॉन्च किया था और NSE ने 50 यानी नेशनल 50 लॉन्च किया था। तो अब आप ये जान गए कि BSE में 5,300 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और NSE में 2,260 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड हैं। अब BSE में लिस्टेड कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं, यह हमें BSE का इंडेक्स सेंसेक्स बताता है। इसी तरह NSE में लिस्टेड कंपनीज में टॉप 50 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, यह NSE का इंडेक्स निफ्टी 50 बताता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है वे टॉप कंपनीज के परफॉर्मेंस को ही शो करते हैं, सारी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं वो शो नहीं करती हैं। अगर ये टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप कहते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स के जो अंक हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं। और अगर ये टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी टूटकर नीचे गिर जाता है, आप कहते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी के जो अंक हैं वो काफ़ी नीचे गिर गए हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बाकी आप कुछ भी पूछने के लिए हमें कॉमेंट कर सकते हैं।